हेलो एवरीवन, टफकॉन स्वनिर्माण आपके लिए आज लाइव वेबिनार लेके आया है, नॉलेज सीरीज ऑन सेल्फ डेवलपमेंट इन मुंबई, जो 16 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल में के बीच में होगा, एंड वो होगा एवरी इवनिंग 5 PM। सो वेलकम, ये वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड है बाय टफकॉन स्वनिर्माण इन एसोसिएशन विद GSC इन टाइम सर्विसेज, and this is powered by Be Right Group, that is Real Estate Ventures, building real estate value homes. क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तो अगर आप मुझे बहुत क्लियरली सुन पा रहे हैं तो आपका जो वीडियो है उसके नीचे एक कमेंट सेक्शन है, आप उसमें प्लीज येस कमेंट कीजिए, ताकि मुझे समझेगा कि अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं। Let me check if I'm getting the comments. अगर आप सब क्लियरली सुन पा रहे हैं, then please put in the comments. Also, आप अलग अलग एरियाज में लॉकडाउन है, हम सब लॉकडाउन है अपने घर पे, सो दैट इज वाई मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स है आज वो कहाँ से है। तो अगर आप मलाड से है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मलाड लिखिए, अगर बोरिवली से है तो बोरिवली, दादर तो दादर, so whichever area you have come from, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो इससे मैं आपसे और अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाऊंगी। ओके, ऑल्सो कमेंट करते हुए वहां पे एक लाइक बटन होगा, सो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, एंड उसी के बगल में एक शेयर बटन होगा, सो यू हैव टू शेयर दिस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप अभी शेयर कर सकते हैं ये वीडियो को, यू कैन शेयर इट राइट नाउ विद योर फैमिली फ्रेंड्स और आपके जो सोसाइटी मेंबर्स हैं उनके साथ, क्योंकि दिस इज अ नॉलेज सीरीज। हम ये सीरीज आपके लिए इसीलिए लेके आए हैं बिकॉज अ कॉमन मैन, जो हमारे जैसे जो आम आदमी है, उनको भी ये चीज का नॉलेज मिले, सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हम दे, क्योंकि लॉकडाउन में तो लोग घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स पे, हॉटस्टार पे एंड ऑल वेरियस यूट्यूब पे अलग अलग सीरीज देख रहे हैं, बट ये सीरीज जब आप उनके साथ शेयर करेंगे, आप उनके साथ एक नॉलेज शेयर करेंगे, और ये जो पूरा लॉकडाउन का माहौल है उसमें आपका एक योगदान होगा आपके उस फ्रेंड या फैमिली मेंबर की तरफ, बिकॉज यू वांट टू शेयर विद देम अ न्यू नॉलेज। ऑल्सो ये जो वेबिनार है, वेबिनार सीरीज, ये एक फ्री वेबिनार सीरीज है, सो इफ यू लाइक दिस सीरीज, वेन यू हमारे बहुत सारे 6 वीडियोज आने वाले हैं, तो आपको अगर हमारे ये सीरीज अच्छे लगे और बहुत नॉलेजेबल लगे, तो एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा कुछ जो आपके मन को सूट करे, आप हमारा जो कोविड 19 रिलीफ फंड है, जो CM एंड PM दोनों का जो रिलीफ फंड है, उसमें आप जो चाहे डोनेट कीजिए। ऑब्वियसली आपने अभी तक डोनेट किया होगा, बट फिर भी इफ यू स्टिल फील कि इससे आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन हुआ है, देन डोनेट समथिंग इनटू दोस फंड्स। I'll start the webinar. उसके पहले आपको जो भी questions होंगे हर एक section के बारे में, तो आपको आपके नीचे वाले जो comment section है उसमें post करना है, and आपके जो भी questions होंगे उसके answers हम presentation complete होने के बाद देंगे। तो presentation start करने के पहले मैं हमारा introduction देना चाहती हूँ about टफकॉन स्वनिर्माण, की हम कौन है and what do we do। हमारा जो group है, we are working as a self redevelopment consultant in this industry, and हमारे जो professionals है, हमारा जो group है, उसमें सारे जो self redevelopment में लगने वाले professionals है उनका group है, जिसमें आते हैं लोग जिन्होंने developer के साथ काम किया हुआ है redevelopment industry में, architects है, RCC consultants, contractors, CA, engineer and housing experts, then legal advisors, तो इस तरीके से सारे services जो आपको self redevelopment में लगते हैं वो सारे हमने कोशिश किए हैं कि आपको वो सारी सर्विसेज अंडर वन रूफ मिल जाए, एंड हमारा एम ही ये है कि जो ये सेल्फ रीडेवलपमेंट का प्रोसेस है वो सोसाइटी के लिए बहुत इजी हो जाए, क्योंकि जो धक्के सोसाइटी ने नॉर्मल रीडेवलपमेंट में खाए हैं वो धक्के उनको सेल्फ रीडेवलपमेंट में ना खाने पड़े। तो जो हमारा एंटायर टीम है उसका जो पूरा एक्सपीरियंस वो अपना लेके आते हैं हमारे साथ, और वो एक्सपीरियंस वो सेल्फ रीडेवलपमेंट के जो हमारे प्रोजेक्ट्स है उसमें प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो हम मुंबई बैंक के पैनल पे है फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट,
इसके साथ साथ मुंबई बैंक की एक कोर कमिटी है जिसमें जो सेल्फ डेवलपमेंट सेल की जो कोर कमिटी है, तो हम भी उसका एक हिस्सा है। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ द कमिटी, हमारे कुछ ड्यूटीज होते हैं। तो एक है कि हम सेल्फ डेवलपमेंट प्रपोजल्स बैंक के पास लेके जाते हैं। सेकेंड इज कि बैंक के पास जो प्रपोजल्स आते हैं वो इवैल्यूएशन होने इवैल्यूएशन के लिए हमारे पास आते हैं, तो हम लोग बैंक की तरफ से इवैल्यूएशन भी करते हैं। एंड थर्ड थिंग इज वी आर ऑल्सो यू नो पार्ट ऑफ द रिकमेंडेशन कमिटी, कि बैंक की जो लोन पॉलिसी है उसके लिए जो रिकमेंडेशन देने होते हैं हमको, उनको अपडेट करना होता है कि फील्ड वर्क में एक्चुअल एग्जीक्यूशन में किस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं, उस तरीके के प्रॉब्लम्स हमको उनको बताने होते हैं, जिससे जो लोन पॉलिसी है उसको सिंप्लीफाई करने में हमारी मदद होती है। ऑल्सो सेल्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं, तो करंटली हम लोग अपॉइंटेड है 15 सेल्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, तो वो अलग अलग स्टेजेस पे है एंड वहां पे काम अलग अलग स्टेजेस पे चल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज एजेंडा। आज का क्या एजेंडा है हमारा, कि हाईलाइट्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट के क्या हाईलाइट्स है, सेल्फ डेवलपमेंट में क्या मॉडल्स अवेलेबल है, फिर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर प्रोजेक्ट फंडिंग, मुंबई बैंक की लोन पॉलिसी एंड मुंबई बैंक का लोन प्रोसीजर, एंड सेल्फ डेवलपमेंट को बूस्ट देने के लिए एक रिसेंटली जीआर आया है, तो वो जीआर में क्या पॉइंट्स है एंड क्या बेनिफिट्स है सोसाइटी के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके क्वेश्चन आंसर्स, तो अगेन आई एम टेलिंग यू, आपके नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप डालिए जो भी आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज रहेंगे रिगार्डिंग आगे आने वाले स्लाइड्स, तो वहां पे हम देखेंगे एंड जब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा हम आपके आंसर्स, आपके क्वेश्चन के आंसर्स देंगे। सो हाइलाइट्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, एक फर्स्ट हाईलाइट इज की हायर प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए यहाँ पे डेवलपर नहीं है, तो जो एक प्रॉफिट डेवलपर लेके जाता था वो प्रॉफिट आज सोसाइटी के पास ही रहता है, तो ये प्रॉफिट सोसाइटी को मिलता है एडिशनल एरिया के तौर पे, या जो प्रोजेक्ट का प्रॉफिट है वो डिवाइड हो जाता है मेंबर्स में इन फॉर्म ऑफ सरप्लस प्रॉफिट। सेकेंड इज कंट्रोल, आपका पूरा कंट्रोल होता है पूरे प्रोजेक्ट पे, आपका कंट्रोल होता है बिकॉज दिस इज अ सेल्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं, तो एंटायर प्रोजेक्ट का कंट्रोल सोसाइटी के हाथ में होता है। देन इज लिबर्टी इन प्लानिंग, तो प्लानिंग भी आपको किस तरीके से करना है उस पर भी सोसाइटी मेंबर्स का ही कंट्रोल होता है। ट्रांसपेरेंसी, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होता है इस प्रोसेस में, क्योंकि आपके जो भी लैंडमार्क डिसीजंस है सेल्फ डेवलपमेंट को लेके, जो मेजर डिसीजंस है, ये सारे डिसीजंस आपको स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में ही लेने हैं। एंड जब ये डिसीजन स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में लिए जाते हैं, ये मेजोरिटी की सहमति से लिए जाते हैं, इसीलिए वी आर एबल टू मेंटेन कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। नो डेवलपर मर्सी, आपको किसी डेवलपर पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है आपके प्रोजेक्ट के लिए। एंड जीरो डिले, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आपको जो परमिशंस होते हैं, जो नई आपकी रीडेवलप बिल्डिंग है वो बांधने के जो भी परमिशंस होते हैं, वो आपको सारे परमिशंस डे जीरो पे लेने हैं। मतलब आप अपने एग्जिस्टिंग घरों में हो, आपने अपने घर वेकेट नहीं किए हैं, उसके पहले आपके सारे परमिशंस आ जाएंगे। प्लस जहां पे आपके पास एक तो फुल अप्रूवल्स रहेंगे एंड सेकेंड थिंग वुड बी द एंटायर फंड्स बैकअप। तो जब ये दोनों चीजें आपके पास सिक्योर्ड है तो प्रोजेक्ट में डिले होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। नेक्स्ट इज द मॉडल्स, सेल्फ डेवलपमेंट में क्या वर्किंग मॉडल्स है। तो एक है सेल्फ कंजम्पशन मॉडल, जिसमें खुद सोसाइटी ही जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, एंड जो कंजम्पशन है बेसिकली जो एडिशनल एरिया है वो भी वो खुद के लिए ही रखेगी। उसके अलावा अगर थोड़ा चाहिए तो लेकिन पार्ट इन अ पार्ट वो शायद उसको सेल कर सकते हैं, बट फंडिंग एंड एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय द सोसाइटी ओनली। इसमें सेकंड मॉडल है वो है प्रोजेक्ट फाइनेंस मॉडल, मतलब जो सोसाइटीज खुद से फंडिंग नहीं कर सकती तो वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करती है, एंड जो रिकवरी है प्रोजेक्ट कॉस्ट का वो सेल से करती है। तो आज करंटली आज के डेट पे आज एक ऐसी एक ही बैंक है, दैट इज मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ये एक ही बैंक है जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए फंडिंग करती है। तो अभी जानते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट के क्या पॉलिसी है, मुंबई बैंक की लेटेस्ट पॉलिसी सेल्फ डेवलपमेंट से लेके क्या है।
फर्स्ट इज आपकी सोसाइटी का अकाउंट होना चाहिए मुंबई बैंक के पास एंड यू शुड हैव अ शेयर होल्डिंग ऑफ मिनिमम रुपीज 1000. आपको जो लोन डिसबर्स होगा वो होगा 1 FSI IOD या IOA पर एंड जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 95% मुंबई बैंक आपको फंड करेगी. ऑल्सो वॉट इज प्रोजेक्ट कॉस्ट, बहुत लोग को ये जानना होता है कि ये प्रोजेक्ट कॉस्ट में क्या क्या खर्चे आएंगे. तो प्रोजेक्ट कॉस्ट में जो मेजर खर्चे हैं मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट इज योर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कि आपको कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करना है तो पहला कॉस्ट इज जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जो आपका बिल्डिंग बनाने का या जो बांध काम का खर्चा है वो. सेकेंड इज सोसाइटी कॉस्ट, तो सोसाइटी कॉस्ट में आपका रेंट आ जाता है, आपकी शिफ्टिंग चार्जेस आ जाते हैं, फिर आपके जो अग्रीमेंट बनेंगे उसके ऊपर की स्टैम्प ड्यूटी आ जाती है, आपके वन मंथ ब्रोकरेज आ जाता है, तो ये सारे खर्चे आ जाते हैं सोसाइटी कॉस्ट में. थर्ड इज जो प्रीमियम्स पे करने, लाइक MCGM में मतलब BMC या MHADA का जो बिल्डिंग प्रपोजल है वहां से परमिशंस लेने के लिए, TDR लोड करने के लिए, ये बहुत सारी चीजों के लिए हमको फीस पे करने पड़ते हैं, प्रीमियम्स पे करने पड़ते हैं, तो वो भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट का ही हिस्सा हो जाता है. अदर देन दैट देन देयर आर प्रोफेशनल फीस. हम जैसे प्रोफेशनल्स जब आपके प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे तो हमारे भी फीस होंगे, तो हमारे जो फीस है वो भी आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का ही एक हिस्सा होते हैं. देन देर इज साइट मैनेजमेंट एक्सपेंसिस, की आपको LUC टैक्स लगेगा वेन यू वेकेट, आप वेकेट करके जाओगे तो आपको लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन टैक्स है, ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जब जो ऑन साइट आएंगे जब आप वेकेट करके जाओगे, तो वो भी आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का हिस्सा है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जो लोन अमाउंट है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करोगे, तो लोन के ऊपर का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट का एक हिस्सा हो जाता है. इस तरीके से आपका पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट बनता है एंड मुंबई बैंक उसका 95% आपको फंड करती है. प्लस जो लोन है उसके लिए बैंक एक सिक्योरिटी लेती है, वो सिक्योरिटी होती है आपकी सोसाइटी की लैंड, मतलब आपका सोसाइटी का जो बिल्डिंग है उसके नीचे की जो लैंड है वो आपका सिक्योरिटी है. देन देर इज लियन ऑन सेल फ्लैट, जो सेल फ्लैट्स है उसके ऊपर भी बैंक का लियन होगा. देर इज नो मॉर्गेज ऑन एग्जिस्टिंग मेंबर्स फ्लैट्स. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को इस बारे में. आपके जो फ्लैट्स हैं इंडिविजुअली, आपके जो घर है जिसके कारण आप सोसाइटी के मेंबर हो, वो फ्लैट बैंक के साथ मॉर्गेज नहीं होता एंड मेंबर्स पर, किसी भी मेंबर पर इंडिविजुअल लायबिलिटी नहीं आती. तो प्लीज मेक योरसेल्फ क्लियर, प्लीज ये मिसकंसेप्शंस हटा दीजिए अपने दिमाग में से, आपका फ्लैट मॉर्गेज नहीं होगा, आप पर इंडिविजुअल लायबिलिटी नहीं आएगी. बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है वो है 12.5%, 12.5%. उस पे 1% प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज करेगी बैंक. एंड लोन जब डिसबर्स होगा इट विल बी एज पर रिक्वायर्ड इन प्रोजेक्ट. आपको प्रोजेक्ट में फेज वाइज जितना फंड्स चाहिए उतना ही आपको डिसबर्समेंट लेना है, पूरे पैसे नहीं लेके बैठने हैं, क्योंकि आप जितना यूज करोगे उतने ही अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा. बैंक है जो बैंक जो है वो लोन दो हिस्सों में क्लासिफाई करती है, टू टाइप्स. सो दैट इज, वन इज लेस देन 50 crores एंड वन इज मोर देन 50 crores. तो जहां पे आपका लोन अमाउंट 50 crore से कम है तो आपको उसमें 7 साल का मोराटोरियम पीरियड मिलता है. एंड जहां पे आपका लोन अमाउंट 50 crore से कम है वहां पे आपको 7 साल का रीपेमेंट टेन्योर मिलता है, मतलब आप रीपे कर सकते हो लोन 7 साल में. एंड जहां पे 50 crore से ज्यादा है तो आपको रीपेमेंट के लिए बैंक 10 साल देती है. अभी ये जो पीरियड है उसमें बैंक आपको देती है मोराटोरियम पीरियड. तो इस मोराटोरियम पीरियड में क्या होता है कि इसमें आपको बैंक को कोई भी प्रकार का इंस्टॉलमेंट नहीं पे करना या EMI नहीं पे करना. तो जहां पे आपका लोन अमाउंट 50 करोड़ से कम है वहां पे आपको 2 साल मोराटोरियम पीरियड मिलता है, मतलब आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 25th month 25वें महीने से चालू होगा. एंड जहां पे 50 करोड़ से ज्यादा का लोन है तो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 37th month में चालू होगा, मतलब आपको 3 साल का मोराटोरियम पीरियड मिलेगा. बैंक कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लेती अगर हम लोग टेन्योर खत्म होने के पहले लोन पे ऑफ कर दे. प्लस बैंक कोई भी प्रकार की कमिटमेंट चार्जेस नहीं लेती फॉर द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ लोन. प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी रिपोर्ट जो आपकी नोडल एजेंसी प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी रिपोर्ट बना के बैंक में सबमिट करेगी वो बैंक की तरफ से अगेन चेक होगा. एंड इसीलिए इस तरीके से एक डबल चेक होगा आपके प्रोजेक्ट पे. ऑल्सो जब आपका प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन रहेगा बैंक की तरफ से लगातार उस पर सुपरविजन होता रहेगा बैंक आर्किटेक्ट की तरफ से. एंड दैट इज ऑल्सो, बोथ दीज थिंग्स आर डन बाय बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट. तो ये मैंने आपको बताया अभी सेल्फ रीडेवलपमेंट की लोन पॉलिसी के बारे में. अभी अगर ये पार्ट पे आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है,
तो प्लीज आप अभी पोस्ट कीजिए आपके कमेंट सेक्शन में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो. ये जब भी अभी लाइव प्ले हो रहा है आप इसे अभी शेयर कीजिए, एंड जो भी आपके कमेंट्स है, आपके जो क्वेश्चंस है, आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिए, सो दैट आई कैन सी देम, आई कैन अंडरस्टैंड आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं, एंड उस हिसाब से मैं आपको आंसर दे सकूं. मीनवाइल, सॉरी, इट्स ओके, या एंड मीनवाइल डू फॉलो अस ऑन फेसबुक. हमारा ये जो फेसबुक पेज है सोसाइटी सेल्फ डेवलपमेंट बाय टफकॉन्स, इसे फॉलो कीजिए तो आपको लगातार नोटिफिकेशन आते रहेंगे हमारे वेबिनार के बारे में, क्योंकि और 5 वेबिनार बाकी है. यू कैन ऑल्सो विजिट अस ऑन ट्विटर, बिकॉज हम ट्विटर पे टेम्पलेट्स पोस्ट करते रहते हैं रिगार्डिंग पर्टिकुलर वेबिनार्स एंड हु इज गोइंग टू बी द की स्पीकर्स. यस नैंसर, यू कैन कंटिन्यू. Yes, yes. I just want to say thank you again. आपके बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, so we are thankful to you. And we have tried to answer. अगर कोई आंसर रह गया होगा तो I personally will type and reply to them. And if they, if this remains, so we'll give every answer. And without that, we'll not complete this 6 webinars. अगर उसमें और भी कुछ कम हो गया तो we'll put up for 7th webinar also. Because already it has been extended. जब हमने ये plan किया था अभी 30 तारीख तक था, अभी और 3 तारीख तक एक्सटेंड हो चुका है लॉकडाउन. सो वी गिव यू दैट कि आप घर में रहिए, सेफ रहिए और आपको नॉलेजेबल सीरीज देते जाएं. दिस इज आवर मोटो बेसिकली.